गुड मॉर्निंग सारे देखने वालों को, मैं विक्की खत्री आपका भाई करता हूं अपने नए व्लॉग में। सुबह सुबह 4:35 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज कल तो भाई आगरा मथुरा से आया ही था, रात को 9:30 बज गए थे, और आज सुबह सुबह की जो बुकिंग है माता रानी के दरबार की, पहुंचते हैं माता रानी के दरबार पे। बताऊंगा आपको कहाँ पे जाना है, तो पहले पहुँचते हैं पिकअप लोकेशन पे, उसके बाद हर चीज़ के बारे में आपको धीरे धीरे पता लग जाना है। पहले लेते हैं सीएनजी के बाद पहुंचूंगा पिकअप लोकेशन जो कि है नारायणा में। भाई सीएनजी पंप 75 रुपये का रेट, सुबह के 3:40, सुबह के 4:40। भाई सीएनजी हो गई है फुल और हम चल दिए हैं पिकअप लोकेशन पे जो कि है नारायणा रिंग रोड अंडरपास। भद्रगढ़ के आसपास पड़े हैं, भद्रगढ़ के आसपास 30 किलोमीटर। क्या करना है? खिड़की मत खोलिए भाई, खिड़की मत खोलना, उल्टी गिरे जब बताना सिर्फ खिड़की के बारे में, तो उल्टी उल्टी ना कर। भाई पहुंच गए हैं पाथरी माता मंदिर, बहुत बड़ा जबरदस्त मंदिर है, और अभी आपने दिखाओगे भाई मंदिर, ये है मंदिर भाई माता का, और जय माता की भाई, जय माता की। तो भाई ये है माता मंदिर पाथरी में, बड़ा ही फेमस मंदिर है, तो माता का जयकारा लगाते हुए करते हैं भाई आगे की कार्रवाई। जय माता दी। गाड़ी पार्किंग में लगा दी, उस तरह भाई पार्किंग है, कहीं भी खड़ी कर सकते हो, बस ऐसी ही पार्किंग है। ये मंदिर है भाई बड़ा फेमस। तो भाई 100 किलोमीटर पड़ा है मेरे को यहाँ तक, कोई टोल आया नहीं रास्ते में, वाया खरखोदा को आना होते हुए मैं पहुँचा हूँ पाथरी एक गांव है, उस गांव में मंदिर है ये बड़ा फेमस, बहुत पुराना और बहुत ज़बरदस्त मानता है। आजकल नवरात्रे हैं तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ है, और देखो अब इसके बाद एक जगह शायद और जाने का है प्रोग्राम, उसके बाद बताऊंगा कहाँ जाएंगे। तो अभी तो कर रहा हूँ वेट, गए हैं मंदिर में पैसेंजर, मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, और बाकी हमने तो दूर से ही दर्शन कर लिए हैं, ये देखते हैं कितनी देर में आते हैं, फिर आगे ही करेंगे कार्रवाई। भाई मेला देखो, माता के दरबार में मेला, मेले लगे हुए हैं चारों तरफ, आजकल बड़ी रौनकें छाई हुई हैं मार्केट में, और ये काम में भी कन्वर्ट होने वाली हैं, जैसे ही नवरात्रे एंड होंगे उसके बाद काम में भी कन्वर्ट हो जाएगा ये सारा सब कुछ, टैक्सी के काम में, ट्रांसपोर्ट का जो भी काम है, जो भी टूर एंड ट्रेवल का काम है, उसमें एकदम बूम आएगा ये जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होंगे। पीर बाबा का धाम है भाई ये स्पीडो में जहाँ पे आए हैं, तो देख लेते हैं भाई पीर बाबा धाम को भी, बहुत सारे आए हैं बंदे पंजाब साइड से, कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को। क्या था मेला वेला भरता हुआ इसका पीर बाबा का? मेला संडे को भरता है, हर संडे को। भाई ये है मार्केट सफ़ेदों की यार, देसी छोटा शहर शांति, और भाई ये देखो हुक्का इतना ज़बरदस्त। मगर जब तक भाई पैसेंजर आए चद्दर बद्दर चढ़ा के, तो अपना मार्केट के ही नज़ारे ले लें,
बाइक चला, सवारी तो बैठी है गाड़ी के पास और मैं घूम रहा हूँ बाजार में, पहुँचता हूँ कार के पास। देख इधर, कल तो दिखेगी सुबह सुबह। नाराज हो रही है ना, चिप्स खवा दी तेरे जब भी। बैठो भाई, लेट हो गए हैं बहुत है। ए बहुत रो लिया अपने घर, रोइयो जा गए ठीक है, आते वक्त पूरा साका आ रहा तूने। चलो फिर फोन करना याद करके दोबारा भी, तुम्हारी तुम्हारी मेहरबानी से हमें पाथरी के माता के धाम पे पहुंच गए। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई पहुंच गया हूँ घर, घर तो अभी जा रहा हूँ, गाड़ी लगा दी है। और आज का जो आज की जो बुकिंग थी ना, वो थी एक आउट सेशन की पाथरी माता मंदिर गोहाना के पास, और उसके बाद एक पीर बाबा थे सफेदों में। टोटल 265 किलोमीटर गाड़ी इसमें मेरी चल पाई है अभी तक। अभी तक क्या, अब तो भाई बुकिंग का एंडिंग हो गया है और ड्रॉप कर दिया, एक भी टोल नहीं पड़ा भाई 263 किलोमीटर की ट्रिप में, एक भी कोई भी एक स्टेट टैक्स हरियाणा और एक MCD, सिर्फ 12 किलोमीटर की ट्रिप के हिसाब से ट्रिप थी, और टोल टैक्स अलग था जो कि लगा ही नहीं कुछ भी यार। आज तो किराया भाड़ा ले लिया, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है और आगे के लिए भी रेडी कर लिया है। तो भाई आज के काम का एंड हो गया है, अभी निकलूँगा करीब 8:30 इवनिंग में, रात भर गाड़ी चलाएंगे क्योंकि रामलीलाओं की वजह से है काम थोड़ा बहुत रात को, दिन में तो रेट ही बहुत डाउन दे रहा है। तो अभी पहुँचते हैं, करते हैं 2-4 रेस्ट फिर निकलेंगे। अभी टाइम 3:20 हुए हैं, तो मिलते हैं आपसे रात में।